कि आप मुत्तहदा तौर पर जहां पर मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, और जहां आप अभी फैसला नहीं हुआ, यहां बैठने वाले एमएलए को भी नहीं मालूम कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझे ना आप। अब इसके बाद जाहिर है सब परेशान होंगे, ये क्या बोल के जा रहे हैं लोग, मेरे को भी नहीं मालूम कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो अल्लाह फैसला करने वाला। अल्लाह सुबहाना तआला से, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करो कि अल्लाह मुझसे और मेरे साथ जो जमात के राकीन हैं जिनसे मैं मशवरा करता हूं, अल्लाह हमको अच्छा फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सब हकदार हैं, मगर फैसला लेना है। और दूसरा फैसला ही नहीं हुआ कि मजलिस कहां कहां से लड़ेगी, अभी सबको बेचैनी है, कहां से लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं। भाई साहब जहां से लड़ेंगे लड़ेंगे, दिल खोल के लड़ेंगे, बेबाक होके लड़ेंगे, घर को जला के लड़ेंगे और कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीदवार। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतना ही गुजारिश थी आपसे कि आप मुत्तहिद रहिए, शहर के अमन को बरकरार